खबर 24 न्यूज, सच वही जो दिखेगा। गुमला में एक बार फिर से नक्सलियों का उत्पात देखने को मिला। पालकोट व रायडी थाना नोदो बॉर्डर के समीप लोकमन गांव के समीप सड़क कार्य निर्माण में लगे एक जेसीबी मशीन, एक हैड्रा रोलर व ट्रैक्टर पानी टंकी का भाकपा माओवादियों ने आग के हवाले कर दिया है। यह संवेदक मेमर्स जितेंद्र कुमार सिंह द्वारा विशेष प्रमंडल के प्रधानमंत्री सड़क योजना द्वारा सड़क निर्माण कराया जा रहा था। लगभग 1,80,00,000 रुपये की लागत से बनाया जा रहा था। बताया जा रहा है कि देर रात 1 बजे नक्सलियों लोकमन गांव आए और जेसीबी हैड्रा ट्रैक्टर रोलर चालक को उठाया और उन लोगों से डीजल लिया और आग के हवाले कर दिया और चालक को सुबह में अपने घर जाने की चेतावनी देते हुए कहा। लेकिन 15 घंटे गुजर जाने के बाद भी घटनास्थल पर नहीं पहुंच पाई पुलिस। इस घटना के बाद लोकमन गांव के ग्रामीण भी अपने घर छोड़कर बाहर हो गए हैं। पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। इस मामले में जिले के SP को से बात करने का प्रयास किया तो उन्होंने जब तक घटनास्थल का निरीक्षण नहीं करने पर कुछ भी बोलने से इनकार कर रही है। इससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं अपने नाकामी को दर्शाता है। गुमला से अजीत सोनी